अरे कोरोना के बारे में क्या कहे भैया, ये दिन भर खेता हमको फड़ुआ धरा दिया है, रोटी नहीं दिया, पेट दुखा रहा है हमारा, बताओ क्या कर सकते हैं भैया। लॉकडाउन में बहुत परेशान है, रोटी तक नहीं मिल रही है, साग सब्जी नहीं मिल रही है, हम क्या करें भैया बताओ। हाँ मिलेगा चाचा जी। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा ही कि दो हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ गया है और कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ खेतों का काम जो कर रहा है वही खेतों में आ रहा है, बाकी लोग अपने अपने घर में रह रहे हैं। दोस्तों बहुत परेशानी है, उन लोगों को ज्यादा परेशानी है जो अपना गांव छोड़ के दूसरे शहरों में गए हैं और किराए से रूम लिए हैं, वो भी रूम एक है। उनके लिए बहुत कष्ट का समय होगा। आप सोच सकते हैं कि अगर एक रूम में बंद कर दिया जाए आपको तो कितनी घुटन होगी, वो भी गर्मी का समय है तो बहुत घुटन हो रही है उन लोगों को। क्योंकि हमारे साथी भी 5 लोग हैं वहां फंसे हुए हैं। मैं तो होली में आया था, जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि मैं होली में आया था, तो उसी समय लॉकडाउन में मैं यहाँ रह गया, तो मेरे लिए थोड़ी राहत ये है कि मैं यहाँ हूँ तो खेतों में काम वाम कर लेता हूँ। लेकिन वो जो हमारे साथी हैं और बाकी भी जो लोग मजदूर हैं वहाँ बहुत बुरे हालत में फंसे हुए हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही रूम है उनके पास किराए की, कहीं घूम भी नहीं सकते, सिर्फ खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो वो बैठे बैठे भी बीमार हो जा रहे हैं, बहुत बोर रह रहे हैं और उनको एक एक मिनट काटना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो गवर्नमेंट वैसे ट्रेन चला दी है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि सभी वर्करों को जल्दी से जल्दी घर पहुंचाया जाए, क्योंकि समय जेल से भी ज़्यादा जो है मुश्किल होगा, जो एक ही रूम में बंदे बंद हैं और कहीं आना ना जाना कुछ नहीं, और क्या करेंगे, कोरोना में रूल फॉलो करना है, कोरोना से बचना है तो करना ही पड़ेगा। हाँ तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे जैसे हमारे पीछे एक नहर है, तो ये भी सूख गई है, इसका पानी देखिए खत्म हो रहा है, कल तक सूख जाएगा। तो दोस्तों इसका क्या है, 15 साल पहले मेरे को याद आ रहा है, मैं काफी छोटा था, तो 15 साल पहले इसकी लगान आया करती थी, अभी तो लगान नहीं आ रहा है, माफ है, कोई पानी भी नहीं चलाता है, अब ट्यूबवेल से सभी लोग चलाते हैं। तो 15 साल पहले जब इसकी लगान आया करती थी तो आप धान गेहूं अगर लगाते हैं तो 20 रुपये एक साल का लगता था, गन्ना लगाते थे तो एक साल का 40 रुपये बीघा का लगता था। तो उस समय ये लोग हमारे गांव वाले लगान भर नहीं पाते थे, तो उसके लिए जो है पुलिस पकड़ के इन लोगों को ले जाती थी। तो दोस्तों और उस समय मजदूरी बहुत कम थी, 20 रुपये 25 रुपये जो है गांव में दिहाड़ी चला करती थी, किसी का छप्पर छा दिया, किसी का खेतों में काम कर दिया तो 20-25 रुपये मिला करते थे। तो उस समय घर चलाना बहुत मुश्किल था, तो लगान लोग कहाँ भर पाएंगे, तो भर नहीं पाते थे, इसलिए पुलिस पकड़ के ले जाती थी। तो इसलिए हमारे गांव के या फिर बाकी भी लोग जो भी हैं, तो उसमें मजबूरियां ज्यादा थी और शहर में दिहाड़ी कुछ ज्यादा थी, वहां जाते थे मजदूर तो वहां कुछ अच्छी आमदनी हो जाती थी, मतलब इतना कि घर चला पाते थे। तो इसलिए गांव छोड़ करके जो है लोग परदेश गए कमाने के लिए। हमारे गांव के कम से कम कुछ नहीं होंगे तो 200-250 बंदे होंगे, कुछ लोग बेंगलोर हैं, कुछ केरला हैं, कुछ दिल्ली हैं, कुछ मुरादाबाद हैं, तो 200-250 आदमी हमारे गांव के हैं, काम करते हैं बाहर, तो यहां से कुछ अच्छी आमदनी वहां हो जाती है कि घर परिवार चल जाता है। तो उसी घर परिवार चलाने के लिए सब लोग गए हैं और लॉकडाउन में फंस गए हैं बेचारे, और उन लोगों का फोन आता है, हमारे भी 5 साथी हैं, बहुत परेशान हैं यहाँ घर आने के लिए, क्योंकि उनका समय नहीं कट रहा है, और बहुत तो ऐसे हैं कि खाने को नहीं मिल रहा है, उनकी तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होगी, आप समझ सकते हैं। तो ये है दोस्तों कोरोना की और लॉकडाउन की दुख भरी कहानी। आइए चलते हैं खेत में, देखते हैं खेत में क्या हो रहा है, शायद गन्ने की गुड़ाई हो रही है, तो आइए चलते हैं खेत में। और ये देखिए हम रास्ते में आ गए, और ये जो है धर्मवीर जी हैं, आप एक दूसरे चैनल पे आप देखे होंगे, कॉमेडी में इनकी सीन है, और ये देखिए देसी तरीके से प्योर देसी इनका अपना है जो बनाया गया है, और ये जो है चारा बोए हैं, और अपने भतीजे को लेकर के जो है इनका भतीजा भी हेल्प कर रहा है, और देखिए चारा बोए कितना देसी जुगाड़ मस्त है इनका ये और ये चाचा जी हैं, और ये देखिए फावड़ा से जो है खोद रहे हैं, और ये बो करके धर्मवीर जी इधर से पट्टा लगा रहे हैं। इस चेले को भी मजा आ रहा है, बैठे बैठे सवारी करने को मिल रही है अब आ गए दोस्तों हम अपने खेत में, और ये देखिए एक चीज और बताना है, ये देखिए नरेगा का काम चालू हो गया है, 2 दिन से हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात हो गई, गाँव में जो लोग खाली बैठे थे तो जो है कुछ रुपए कमा सकते हैं। ये देखिए पूरी जो है पटाई हो रही है, तो लॉकडाउन में कुछ
सब्जी पानी का तो जुगाड़ हो ही जाएगा, तो नरेगा का काम चल गया, ये बहुत अच्छी बात हो गई। आइए चलते हैं खेत में, देखते हैं। ये अपना ही गन्ना लगा है और उधर गुड़ाई हो रही है, मैं पास में चलता हूँ। ये आ गए दोस्तों हम गन्ने के पास में, ये देखिए गुड़ाई चल रहा है और अपना बबलू भाई उधर है। ये हम लोग साथ में ही काम करते हैं सब लोग, लेकिन क्या करेंगे, लॉकडाउन में जो लोग हैं तो कुछ काम धाम नहीं है, तो कुछ तो कर लिया जाए घर पे हम लोग। और पूछते हैं चाचा जी से इन लोगों का क्या हाल है कोरोना में, पूछते हैं चाचा जी। बताइए क्या कहेंगे कोरोना के बारे में। अरे कोरोना के बारे में क्या कहें भैया, ये दिन भर खेता हमको फरुआ धरा दिया है, रोटी नहीं दिया, पेट दुखा रहा है हमारा, बताओ क्या कर सकते हैं भैया। लॉकडाउन में बहुत परेशान है, रोटी तक नहीं मिल रही है, साग सब्जी नहीं मिल रही है, अब क्या करें भैया बताओ। हाँ मिलेगा चाचा जी। संतोष भाई आप कुछ कहेंगे। पानी के लिए कहा था कि जब प्यास रहे तो हमारे घर पे एक बार फोन कर देना, हाँ, तो पानी लेके आएंगे। तो पानी के खेत वाला आता है तो बताओ, भूखे मरे के प्यास से मरे बताओ ना तुम्हें। तो ये देखिए दोस्तों गुड़ाई हो रही है कोरोना में, हाँ, सब लोग परेशान हैं, जो कि हम लोग सब लोग साथ में काम करते हैं उधर, लेकिन जो है क्या किया जाएगा, कुछ काम नहीं है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा घर पे। हाँ भैया पेट पालने के लिए तो फौड़ा चलाना पड़ेगा ना। हाँ जी चाचा जी, अब तो खेत वाले से शिकायत नहीं है कुछ। नहीं भैया पानी पिला दे। हमको तो मिला है। हाँ।